જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલે ફક્ત યુટ્યુબ પર 22 મહિનામાં 30,03,000 વ્યુઝ નો પડાવ પાર કરી કુલ 38,00,000 વ્યુઝ સાથે દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ નું સ્થાન યથાવત રાખ્યું છે. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मामला मेरे प्रदेश दादरा नगर हवेली में 2 दिन से हुआ है. 500 कर्मचारी को सर वहां से बर्खास्त किया गया, निकाल दिया गया, जो जिला पंचायत जिला परिषद में काम करते थे और विलेज पंचायत में काम करते थे. छोटे परिवार के लोग हैं सर, 20 साल 25 साल से वो काम कर रहे थे. वही आमदनी से उनका घर चलता था, उनके बच्चे पढ़ते थे सर. 20-25 साल से उनको निकाल दिया गया और वे सर सारे जिला परिषद और ग्राम पंचायत में कार्यरत थे. जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है उनको पता भी नहीं चला, विलेज पंचायत के प्रधान को भी पता नहीं चला. और ये सर सारे परिवार आज बहुत तकलीफ में है. उनके घर में आज बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है. मैं चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के सीधे अधीन आता है, तुरंत सर भारत सरकार इसमें गृह मंत्रालय इसमें दखल दे, नहीं तो सर 500 परिवार सर बर्बाद हो जाएंगे. ये मैं आपको कहना चाहता हूं सर. और आपने 2 दिन पहले सर हाउस में ही कहा, कुछ उसमें महिलाएं हैं सर, महिलाएं मिड डे मील में काम करती थी. आपने ये सजेस्ट किया, आपने सारे माननीय मेंबर को कहा कि आप सब सहभागी बने. वह महिला सर मिड डे मील में काम करती थी, वह महिलाओं को भी सर निकाल दिया गया. और मैं सबसे गंभीर बात ये करना चाहता हूं कि जो महिलाओं को निकाल दिया गया मिड डे मील से, वह मिड डे मील की जो स्कीम है वो एक प्राइवेट एजेंसी को दी गई और वह एजेंसी 2 दिन से वहां पर सर डायरेक्ट मिड डे मील बच्चों को देती है. 2 दिन से ये रिपोर्ट है सर और वहां की सारे अखबार में आपने विषय रख दिया है सर. सारे अखबार में ये निकला है, मिड डे मील में जो एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वहां सर कॉकरोच निकले, वहां से कीड़े निकले 2 दिन लगातार सर. इसलिए ये बहुत ही गंभीर मामला है. एक तरफ बहनों को निकाल दिया, महिलाओं को निकाल दिया, परिवार का मुश्किल में है सर. दुर्गा प्रसाद राव, मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें एक्ट करे, सरकार सर बयान दे, क्योंकि बहुत परिवार में है सर. प्लीज सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हाउस से सर, इस हाउस से उनको न्याय मिलना चाहिए सर. मैं चाहता हूं मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, सदस्य मैंने आपको आउट ऑफ टर्न मौका दिया. प्लीज बहुत सर ये गंभीर मामला है. आपकी बात मैंने गंभीरता से ले ली है, आपकी बात गंभीरता से ले ली है माननीय सदस्य गोपाल ठाकुर जी. माननीय अध्यक्ष महोदय.